एक YouTube चैनल से पैसे कमाने के लिए आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स। अब जहां 1000 सब्सक्राइबर्स तो आजकल सभी कंप्लीट कर लेते हैं, 4000 घंटे कंप्लीट करने में लोगों को लिटरली महीने इवन कई साल लग जाते हैं। मैंने अपने ऑडियंस से भी पूछा एंड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 90% चैनल्स स्टिल डोंट हैव 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम। तो क्योंकि मैंने अपने चैनल को सिर्फ 4 वीडियो से ही मोनेटाइज कर दिया था, मेरे पास एक क्लियर रोड मैप है जिसे फॉलो करके कोई भी चैनल 0 से 4000 आवर्स तक इजिली जा सकता है। फैक्ट अगर मुझे भी आज एक नए चैनल को मोनेटाइज करना होता तो मैं इस वीडियो में बताए गए हर चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता। बट सबसे पहले लेट अस ब्रेक डाउन 4000 वॉच आवर्स एंड गेट एन आइडिया कि ये नंबर एक्चुअल में कितना बड़ा है। तो 4000 आवर्स इक्वल्स 240,000 मिनट्स ऑफ वॉच टाइम। अज्यूमिंग कि आपके वीडियोस का एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट्स है तो आपको चाहिए होंगे अ टोटल ऑफ 120,000 व्यूज टू कंप्लीट दिस माइलस्टोन। वहीं अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट्स है तो यू विल नीड ओनली 80,000 views, which is 33% less. And अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 4 मिनट्स का है तो सिर्फ 60,000 व्यूज में ही आपका काम पूरा हो जाएगा। सो इट्स क्लियर कि लोग आपकी वीडियो जितनी देर तक देखेंगे उतने ही कम व्यूज चाहिए होंगे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। लेकिन यू नो व्हाट द सैड पार्ट इज, 81% चैनल्स के वीडियोस पर 2 मिनट का EVD भी सही से नहीं आता है। सो टू इंक्रीज आर एवरेज व्यू ड्यूरेशन आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस। अगर आप किसी भी YouTube वीडियो के ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ को देखोगे तो वो ऐसा या नियर अबाउट ऐसा ही दिखेगा, जहां स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा डिप होगा, विच मीन्स कि मैक्सिमम व्यूअर्स एक वीडियो को उसके फर्स्ट 30 सेकंड्स में ही छोड़ देते हैं। लाइक इस ग्राफ में यू कैन सी ऑलमोस्ट 50% ऑडियंस ने वीडियो को इंट्रो में ही छोड़ दिया है। ऑफ कोर्स उसके बाद भी ऑडियंस ग्रेजुअली कम हो रही है, बट वो फर्स्ट 30 सेकंड्स के कंपैरिजन में काफी कम है। सो अगर आप स्मार्ट हो तो इस ग्राफ से ये सीख जाओगे कि व्यूअर्स को वीडियो में रोकने की सबसे ज्यादा मेहनत इंट्रो में लगती है। एंड जितने व्यूअर्स को आपने इंट्रो में रोक लिया, चांसेस है कि उनमें से ज्यादातर वीडियो के एंड तक भी रुकेंगे। एंड दिस इज वाई YouTube के सभी टॉप क्रिएटर्स सबसे ज्यादा टाइम एंड एफर्ट वीडियो के पहले 30 सेकंड्स को बनाने में लगाते हैं। इवन मैं भी जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो आई स्पेंड आवर्स राइटिंग द परफेक्ट इंट्रो। अब एक अच्छा इंट्रो बनाने के लिए कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जो सभी चैनल्स पर चल जाएगा। लाइक मैं अपने वीडियोस में जनरली एक 3-स्टेप फ्रेमवर्क यूज करता हूँ इंट्रो लिखने के लिए। फर्स्ट स्टेप में मैं उस चीज के बारे में बात करता हूँ जो टाइटल एंड थंबनेल में मेंशनड है, यानी कि व्यूअर का गोल। स्टेप 2 में मैं बताता हूँ कि व्यूअर का ये जो गोल है उसे अचीव करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, जिससे उनके मन में फियर या फ्रस्ट्रेशन का इमोशन इंड्यूस होता है। एंड फाइनली स्टेप 3 में मैं उन्हें बताता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, जिससे ऑफकोर्स क्यूरियोसिटी इंड्यूस होती है व्यूअर्स के माइंड में ये जानने के लिए कि वो सोल्यूशन आखिर है क्या। एंड इसी क्यूरियोसिटी की वजह से व्यूअर्स वीडियो में हुक हो जाते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वीडियो के इंट्रो को दोबारा से प्ले करूंगा एंड देखना कि कैसे मैंने इस 3-स्टेप फ्रेमवर्क को अप्लाई किया है। एक YouTube चैनल से पैसे कमाने के लिए आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स। अब जहां 1000 सब्सक्राइबर्स तो आजकल सभी कंप्लीट कर लेते हैं, 4000 घंटे कंप्लीट करने में लोगों को लिटरली महीने इवन कई साल लग जाते हैं। मैंने अपने ऑडियंस से भी पूछा एंड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 90% चैनल्स स्टिल डोंट हैव 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम। तो क्योंकि मैंने अपने चैनल को सिर्फ 4 वीडियो से ही मोनेटाइज कर दिया था, मेरे पास एक क्लियर रोड मैप है जिसे फॉलो करके कोई भी चैनल 0 से 4000 आवर्स तक इजिली जा सकता है। सो एज यू सॉ, फर्स्ट स्टेप में मैंने मोनेटाइजेशन के क्राइटेरियाज को मेंशन किया है जो कि व्यूअर्स का गोल है। फिर मैंने व्यूअर्स के माइंड में फियर इंड्यूस किया है बाय टेलिंग देम कि 4000 आवर्स कंप्लीट करना कितना डिफिकल्ट है। एंड फाइनली आई टोल्ड देम कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी है, क्योंकि मैंने खुद के चैनल पर मोनेटाइजेशन कंप्लीट किया था विद ओनली 4 वीडियोस। एंड ये 3-स्टेप फ्रेमवर्क सिर्फ मैं ही नहीं, अली अब्दाल और ईमान गाजी जैसे कई बड़े क्रिएटर्स भी अपने वीडियोस में यूज करते हैं। दे टॉक अबाउट योर नीड्स, टेल यू कि उसमें क्या प्रॉब्लम है एंड फाइनली प्रॉमिस यू कि उसका सॉल्यूशन उनके वीडियो में है। ऑफ कोर्स हर नीश में ऐसे इंट्रिकेट इंट्रो फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल कुकिंग वीडियोस में आप सिर्फ फाइनल डिश को सर्व करते हुए एक अच्छा सा एपेटाइजिंग शॉट डाल दोगे तो वो भी व्यूअर्स को हुक करने के लिए इनफ है। सिमिलरली इफ यू हैव अ व्लॉगिंग चैनल तो आप पूरे व्लॉग में से बेस्ट सीन को पहले 30 सेकंड्स में डाल सकते हो एंड दैट विल एक्ट एज अ ग्रेट इंट्रो हुक। इंट्रो बनाते वक्त एक और स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो आप, विच कैन गिव यू 50% मोर वॉच टाइम एंड दैट इज टू सेट अप एन एंड रिवॉर्ड। मतलब कि कुछ ऐसा जो व्यूअर्स को वीडियो के एंड में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन वर्सेस जॉइंट पिट। मिस्टर बीस्ट के इस वीडियो में टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट क्योंकि ट्रेन वर्सेस जॉइंट पिट 5 एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे कूल है, जिमी हैज मेड श्योर टू पुट इट इन द टाइटल, इन द थंबनेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स। और इन तीनों चीजों से ये एक्सपेरिमेंट वीडियो का सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है।
इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाइप बिल्ड करने के बाद मिस्टर बीस्ट हैज मेड श्योर टू पुट इट एट द एंड ऑफ द वीडियो, जो कि एक एंड रिवॉर्ड का काम करता है। सो अगर वीडियो देखते वक्त किसी पार्ट में व्यूअर बोर भी हो जाए तो अभी उसे याद रहेगा कि एंड रिवॉर्ड तो अभी बाकी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस व्यूअर के वीडियो क्विट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ मैंने अभी अपने रीसेंट एडिटिंग ट्यूटोरियल में भी किया था, जहाँ पे आई कवर्ड 8 एडिटिंग टेक्निक्स, एंड मुझे काइंड ऑफ पहले ही पता था कि कौन सी टेक्निक लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगी, एंड दैट्स व्हाई मैंने उसे वीडियो के सबसे लास्ट में रखा। आई एम श्योर अब बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि फिर मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स क्यों डाला, टाइम स्टैम्प से तो व्यूअर्स डायरेक्टली लास्ट टेक्निक पर स्किप कर सकते हैं, राइट? वेल, वो इसलिए क्योंकि मेरे इस वीडियो का वॉच टाइम सिग्निफिकेंटली कम होता अगर मैं टाइम स्टैम्प्स का यूज नहीं करता। लोग सोचते हैं कि टाइम स्टैम्प से वॉच टाइम डिक्रीज हो जाएगा, बट होता इसका उल्टा है। लेट्स से आपने एक 10 मिनट का वीडियो बनाया ऑन द टॉपिक हाउ टू मेक अ बर्थडे केक। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप टाइम स्टैम्प्स लगाओ या फिर नहीं लगाओ। अब सोचो, जिन्हें केक बनाना बिल्कुल भी नहीं आता वो तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखेंगे ही, भले ही टाइम स्टैम्प्स हो या ना हो, क्योंकि उन्हें तो पूरी चीज सीखनी है ना। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें केक बनाना तो आता है, दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि फ्रॉस्टिंग कैसे बनाए एंड केक को डेकोरेट कैसे करें। तो ऐसे में अगर टाइम स्टैम्प्स होंगे तो व्यूअर इजिली वीडियो के उस पार्ट में स्किप कर सकता है जहाँ पे फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाया गया है। Whereas, if you don't have timestamps, then viewers को manually video को skip करके खुद से उस part को ढूंढना पड़ेगा। अब obvious सी बात है कि सभी में इतना patience नहीं होता है, so chances है कि बहुत सारे viewers आपकी video को छोड़ देंगे और same topic पर कोई और video find कर लेंगे जिसकी length छोटी हो। That's why I highly recommend कि आप timestamps का use करो, especially अगर आपकी video बहुत लंबी है and if your content falls under educational or how to category। So, हमने बहुत कुछ जाना एक वीडियो के वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए, उसके एवरेज व्यू ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए। बट लेट्स से आपके वीडियोस पर 5 मिनट का एवीडी भी आ जाए, विच इज अ लॉट, तो भी आपको 50,000 व्यूज तो चाहिए ही होंगे टू कंप्लीट 4,000 वॉच आवर्स। और इतने सारे व्यूज वैसे वीडियोस बनाकर तो कभी नहीं आएंगे जो आप अभी बना रहे हो। तो एक स्ट्रैटेजी है जो मैं न्यू क्रिएटर्स को रिकमेंड करता हूँ 4,000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने के लिए, एंड दैट इज टू नीश डाउन। नीश डाउन करना मतलब अपने मेन नीश के अंदर एक सब नीश फाइंड करना। एग्जांपल के लिए लेट्स से आपका गेमिंग चैनल है। अब गेमिंग एज अ होल बहुत ही ब्रॉड नीश है, राइट? सो लेट्स से यू डिसाइड टू नैरो डाउन टू वन पर्टिकुलर गेम लाइक माइनक्राफ्ट। स्टिल बहुत ही ब्रॉड नीश है ये। सो अब आप सोच सकते हो अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वीडियोस इन माइनक्राफ्ट, लाइक ट्यूटोरियल्स हो गया, लेट्स प्लेज हो गया, पीवीपी, रोल प्ले। मे बी आपको ट्यूटोरियल्स बनाना पसंद है एंड यू डिसाइड टू मेक माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल्स। सो अब हमने बहुत नीश डाउन कर लिया है, बट स्टिल हम एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। तो सोचो कि माइनक्राफ्ट में आप किस टाइप के ट्यूटोरियल्स बना सकते हो। मे बी आप बिल्ड्स बनाने में अच्छे हो, मे बी आपको रेडस्टोन की बहुत नॉलेज है, या फिर आप पीवीपी बहुत अच्छा कर लेते हो। सो यू थिंक एंड थिंक एंड थिंक एंड फाइनली आप डिसाइड करते हो कि यू विल मेक रेडस्टोन ट्यूटोरियल्स इन माइनक्राफ्ट। दिस माई फ्रेंड इज एन एग्जाम्पल कि नीश डाउन कैसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कुकिंग चैनल का। वी नो कुकिंग एज अ होल बहुत ही ब्रॉड नीश है, तो आप सोच सकते हो कि किस टाइप की कुकिंग करना आपको ज्यादा पसंद है। मे बी यू लाइक बेकिंग अलॉट, सो यू डिसाइड कि आप बेकिंग ट्यूटोरियल्स बनाओगे। एक स्टेप और आगे जा सकते हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ व्यूअर्स को टारगेट करके, फॉर एग्जाम्पल वीगन्स। सो वी हैव द नीश वीगन बेकिंग। ऐसे नीश डाउन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक जो सब नीश आप सेलेक्ट करते हो उस एक एरिया में आपके चैनल की अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है, विच लीड्स टू मोर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट फ्रॉम व्यूअर्स। यू विल आल्सो सी कि एंगेजमेंट ज्यादा आता है ऐसे चैनल्स पर, लाइक कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स भी ज्यादा कमेंट्स करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, बिकॉज दे नो दैट अदर व्यूअर्स विद द सेम इंटरेस्ट्स आर आल्सो देयर, जिससे ऐसा लगता है कि आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टाइप के चैनल्स का ओवरऑल वॉच टाइम यानी कि सेशन वॉच टाइम ज्यादा होता है। अब ये सेशन वॉच टाइम क्या है? लेट्स से एक व्यूअर है जिसने आपके एक 10 मिनट के वीडियो को सिर्फ 2 मिनट देखा, फिर उसे आपकी कोई दूसरी वीडियो देखी एंड उसे भी उस व्यूअर ने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही देखा, फाइनली उसने आपकी एक और वीडियो पर क्लिक किया एंड उसे भी 2 मिनट ही देखा। ऐसे में शायद आपको लगे कि ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो व्यूअर आपके वीडियोस को सिर्फ 2 से 3 मिनट ही देख रहा है, बट थिंक अगेन, 2 minutes is the watch time that you are getting per video. Whereas, अगर आप इन सभी को add कर दो, तो you will get a total of 7 minutes. And ये है आपका session watch time. यानी आपके channel ने उस viewer को 7 minutes के लिए YouTube पर बनाए रखा. And YouTube will love you for this, which means कि आपका content और भी ज़्यादा recommend होगा. So, niche down करने से क्या होता है? कि viewers आपके content को binge watch करें, इसके chances बढ़ जाते हैं. Like, अगर आपका vegan baking का channel है, and कोई viewer है जो vegan है, and also they love baking,
तो उनके लिए आपका चैनल किसी खजाने से कम नहीं होगा। दिस मीन्स कि अगर वो आपके चैनल की एक वीडियो देखते हैं, देन दे विल वॉच अनदर एंड अनदर एंड अनदर वन ऑफ योर वीडियोस। इन शॉर्ट, वो व्यूअर आपके चैनल को बिंज वॉच करेगा, विच अल्टीमेटली मीन्स मोर वॉच टाइम। बट भले ही आप नीश डाउन करो या ना करो, ये नेक्स्ट चीज जरूर करना, एंड दैट इज टू स्टडी योर डेटा। अभी रिसेंटली मैं अपने चैनल के डिफरेंट वीडियोज का रिटेंशन ग्राफ स्टडी कर रहा था, एंड एक वीडियो है अबाउट टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स, जिसके ग्राफ में मुझे ये मेजर स्पाइक मिला। जब मैंने इस स्पाइक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये वीडियो का वो हिस्सा है जहां मैंने टैग्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, यानी कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो में सिर्फ टैग्स के बारे में जानने आए थे। दिस इज एन इंडिकेशन कि अगर मैं टैग्स के बारे में एक इंडिविजुअल वीडियो बनाता हूं तो उस पे व्यूज आने के बहुत चांसेस हैं। एंड आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ही यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स को स्टडी करके हमें कितना सारा डेटा मिल सकता है, विच विल हेल्प अस इन कंप्लीटिंग 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम। एज अ क्विक एक्सरसाइज, यूट्यूब एनालिटिक्स में कॉन्टेंट टैब में जाओगे तो एक सेक्शन मिलेगा विच इज कॉल्ड कॉन्टेंट सजेस्टिंग यू। ये बेसिकली उन वीडियोज का लिस्ट है जिनके नीचे यूट्यूब आपके वीडियोज को रिकमेंड करता है। तो मैक्सिमम केसेस में इस लिस्ट में स्टार्टिंग के सारे वीडियोस आपके खुद के चैनल के होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दूसरे चैनल्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे। लाइक यहां देख सकते हो एक वीडियो है, डोंट स्टार्ट यूट्यूब इन 2024, जो कि मेरे चैनल का नहीं है। एंड यूट्यूब ने मेरे वीडियोस को इस वीडियो के नीचे बहुत ज्यादा सजेस्ट किया है, बिकॉज यहां से मुझे 1.9K सजेस्टेड व्यूज आए हैं। सिमिलरली एक वीडियो है अबाउट गेमिंग वीडियो एडिटिंग, यहां से भी मुझे 1.8K सजेस्टेड व्यूज आए हैं। द रीजन व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इज बिकॉज ये वीडियो आइडियाज लेने का एक बहुत अच्छा सोर्स। अगर मैं इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूं तो मेरे इन सेम वीडियोस के नीचे फिर से सजेस्ट होने के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, विच मींस लॉट्स ऑफ व्यूज एंड लॉट्स ऑफ वॉच टाइम। सिमिलरली कंटेंट सजेस्टिंग यू वाले सेक्शन के लेफ्ट में देखोगे तो एक यूट्यूब सर्च टर्म्स का भी सेक्शन मिलेगा। हियर यू कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ टर्म्स दैट पीपल यूज टू फाइंड योर वीडियोस। सो यहां पर भी आप देख सकते हो कि कौन से सर्च टर्म्स हैं जिन पे आपने वीडियोस नहीं बनाया है, एंड उनका यूज कर सकते हो एज वीडियो आइडियाज। अनदर थिंग दैट आई हाईली रिकमेंड यू टू डू इज कि आप अपने चैनल पर जाओ एंड ऐसे वीडियोस ढूंढो जिनके व्यूज कम हैं, एंड देन उनमें से उन वीडियोस को अलग करो जिनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन और रिटेंशन तो अच्छा है बट CTR कम है। ऐसे वीडियोस पर भले ही एट द मोमेंट व्यूज कम हो, बट दे हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट पोटेंशियल। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का टॉपिक एक गुड अमाउंट ऑफ व्यूअर्स को अपील करता है बट स्टिल उस पर व्यूज कम है, देन अभी जाओ और उसका टाइटल एंड थंबनेल चेंज करो, बिकॉज उसका टॉपिक अच्छा है, लोग उसे ज्यादा देर तक देख रहे हैं, सो मोस्ट लाइकली एक लो क्लिक थ्रू रेट की वजह से यूट्यूब इज इन प्रोमोटिंग योर वीडियो। रिमेंबर कि वीडियो तो आप यूट्यूब पर एक ही बार डाल सकते हो, बट उसकी पैकेजिंग हमेशा चेंज कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू कीप योर वीडियो अलाइव। Alright, so अगर आप यहाँ तक आ गए हो, then comment कर देना, getting more watch time is now easy. And also, make sure you follow me on my new Instagram account, जिसका link description और pinned comment में। जाते जाते अगर मुझे एक और tip देना हो about getting more watch time, तो वो होगा कि आप अपने videos में engaging editing करो like me. अगर आप मेरी जैसी video editing सीखना चाहते हो, तो screen पर जो playlist है, उस पे click करो. And yeah, मैं आपसे वही मिलूँगा. Bye.